किसान दो सालों से अपने लगानी जमीनों पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में पानी जमा होने से दर्जन भर किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई एकड़ जमीन पर पानी भरा हुआ है। मामले पर रेलवे के साथ स्थानीय प्रशासन ने भी मुंह मोड़ लिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। वाले छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना में काम कर रही ठेका कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को स्थानीय लोगों की परेशानी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें विगत दो सालों से पिछड़े आदिवासी किसान खेती कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। मामला झाबर गाँव से कुदरी गांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग का है, जहां पर पिछले दो सालों से आदिवासी किसानों के खेतों में पानी भरा रहता है, जिसके चलते दर्जन भर किसानों की कई एकड़ खेती किसानी की जमीन जिसमें दो साल पहले तक अच्छे से खेती होती थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इन खेतों में पानी के भरे होने से किसान इन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब डुबान कारण पुल तो मांग दिखा नहीं दिए। कितना खेत है, कितने लोगों का होगा भैया, कितना एकड़ होगा? तो 4-5 जने का है, ज्यादा नहीं, कम से कम 5-6 एकड़ होगा। अरे भैया अब उनको क्या बता रहे, इन साल काट रहे हैं, इन साल काट रहे नाली, अब क्या बताए। पानी सब भरे है पूरा, नाली नहीं निकले है, कटर खातिर बंद है। उसके बाद फिर अभी रेल बन रहा है तो अब थोड़ा उनको कमाते नहीं बन रहा है, जब तक पुल नहीं बन जाए उसका। और ये वाला तो डुबान रेलवे लाइन बन रहा है, उससे कई किसान के खेतों में पानी भर गए, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कई जगहों पे हमने इसकी पुष्टि भी की है और इसके निराकरण के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और रेलवे के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, हमने उनको भी निर्देशित किया है कि उनके खेतों से पानी के निकासी की व्यवस्था करें। और कई जगह ऐसी भी समस्या देखने में आई है कि लोगों का जो रास्ता है, लोगों का मार्ग है, वो भी कट गया है, उसको भी तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश उनको आज ही दिए गए हैं। वहीं जब हमने मामले में पेंड्रा रोड एसडीएम अमित बेग से जानकारी ली तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, पर मामले में जानकारी लेकर इसमें रेलवे के द्वारा इस पर अनियमितता रहने की बात कही और इस पर जांच पड़ताल के भी निर्देश दिए हैं और आश्वासन दिया है। बहरहाल एक ओर प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के बेहतर खेती किसानी करने के हर तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है और बिना ब्याज के खेती करने की राशि भी उपलब्ध करा रहा है, पर रेलवे की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते पिछले दो सालों से किसान अपनी खेत के भूमि पर खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। गौरीला पिंडरा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव की खास